ये बस सही है। मैं ओबेसिटी कैंप में अपनी बेटी को लेकर के आई थी कि वो जुड़ेगी और फिर वो अपना योगा करेगी। मैं पहले भी योगा करती थी, फायदा मुझे पहले भी होता था, लेकिन जितना मुझे चाहिए था उतना हुआ नहीं था। और जब ये अध्यात्म साधना केंद्र के बारे में मुझे पता चला तो मैं अजय शर्मा जी के साथ जुड़ी रही, और जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ तो मैं यहाँ आई। सबसे पहले तो मुझे ऐसा था कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल था बहुत सालों से, और कोलेस्ट्रॉल की दवा मैं खा रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चलता था। ओबेसिटी भी थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। एक साल पहले मुझे डायबिटिक हो गया और पिछले 3 साल से मुझे बीपी रहने लगा। और ये सब चीज को सोच के मैं अध्यात्म साधना में आई और पहले ही पहले डायबिटिक कैंप ज्वाइन किया। और डॉक्टर सुनीता मैम के गाइडेंस में मैंने जो डाइट ली उससे मेरा डायबिटिक नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर एक चीज मैंने ये भी ध्यान दिया कि पहले मैं डाइट नहीं कर पाती थी, योगा प्राणायाम कर लेती थी लेकिन डाइट में हमेशा कहीं ना कहीं 50% चीटिंग हो जाती थी। लेकिन सुनीता मैम के गाइडेंस और इनकी छोटी छोटी टिप्स से मैंने इस बार 95% इनका डाइट फॉलो किया है। और आज मेरी ये सिचुएशन है कि मेरा डायबिटिक और बीपी 50% उसकी दवा टेपर हो चुकी है, कम हो गई है। मैं अपने 1 महीने 10 दिन का अध्यात्म साधना केंद्र का एक्सपीरियंस बताऊं तो उसमें मेरा 4 केजी 600 ग्राम वजन कम।